ये वीक तो काफी अच्छा वीक था, काफी सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है, पॉलिसी बाजार, फ्रेशवर्क्स, एड्यूवर्सिटी, कूलबर्ग। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं किस किस को कितनी कितनी फंडिंग मिली है। तो मैं हमेशा की तरह कम फंडिंग से लेकर ज्यादा फंडिंग तक आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टार्टअप है उसका नाम है सनस्टोन। इनका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है, रेगुलर कॉलेजेस की तरह ये पहले पैसा नहीं लेते, आपका प्लेसमेंट जब होगा तो आपके प्लेसमेंट से लोग पैसा लेंगे। इनको टोटल 11 करोड़ की फंडिंग मिली है और ये फंडिंग जो मिली है वो मिली है प्राइम वेंचर पार्टनर्स, लेट्स वेंचर, PS1 वेंचर, राजुल गर्ग जो कि ग्लोबल लॉजिक के कोफाउंडर है। मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो फंडिंग उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, उनका मेजर गोल होता है अपना मार्केट एक्सपांशन करने के लिए। तो सनस्टोन एडवर्सिटी का भी सेम गोल है, उनको मार्केट में एक्सपांड करना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ टाइम्स बढ़ाने हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना है। इसके बाद का जो स्टार्टअप है उसका नाम है स्टाइल क्रैकर, एक फैशन पोर्टल है। इन्होंने 2 मिलियन की यानी 14.5 करोड़ की फंडिंग उठाई है और ये जो फंडिंग मिली है एक US बेस्ड इन्वेस्टर है, उनका नाम है AMJ वेंचर्स। स्टाइल क्रैकर कंपनी अपने कस्टमर्स को सेलिब्रिटी स्टाइलिश क्यूरेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जिसमें गारमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, हैंडबैग, शूज जैसे प्रोडक्ट होते हैं। ये कंपनी 2013 में धीमन शाह और अर्चना वलवलकर ने शुरू की थी और इसे 2 साल पहले आर्यभट्ट ने भी फंडिंग दी थी। कंपनी इस फंडिंग का यूज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए करने वाली है, अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए इस फंडिंग का इस्तेमाल होने वाला है। इसके बाद की जो कंपनी है उसका नाम है जैप, जिसका पहले नाम ओबीसाय था। इन्होंने 2 मिलियन की यानी तकरीबन 15 करोड़ की फंडिंग उठाई है और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडियन एंजल नेटवर्क के मेंबर्स ने दिया है। जैप इंडिया की पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक कनेक्टेड टू व्हीलर मोबिलिटी कंपनी है और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी, डिलीवरी, एंटरप्राइज कम्यूट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी इस फंडिंग का यूज करके अपने इन्वेंट्री में 5,000 ई स्कूटर्स ऐड करने वाली है और इसके साथ ही साथ अपना ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट भी बढ़ाने वाली है। जैप साथ ही साथ इस फंडिंग का इस्तेमाल करके NCR के साथ साथ 5 और शहरों में अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करेगी और 2020 तक 20,000 स्कूटर्स अपनी इन्वेंट्री में ऐड करेगी। इसके बाद की जो कंपनी है वो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है कूलबर्ग। ये जीरो अल्कोहल बियर यानी जो लोग दारू नहीं पीते उनके लिए दारू बनाती है, बियर बनाती है। इस कंपनी को 3.5 मिलियन की यानी 25 करोड़ की सीरीज ए फंडिंग मिली है। यहाँ काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है RB इन्वेस्टमेंट की, इसके बाद इंडिया कोशंट, आशीष गोयनका और इंडियन एंजल नेटवर्क से कुछ इन्वेस्टर्स है। कूलबर्ग एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है जो 2016 में पंकज असवानी और यशिका केशवानी ने शुरू किया था और इनके 12,000 आउटलेट्स पूरे देश में है। कंपनी फंड का इस्तेमाल 2 चीजों के लिए करने वाली है, सबसे पहले तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा करने के लिए और दूसरा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। 5वें नंबर पे जो स्टार्टअप आता है जिसको फंडिंग मिली उसका नाम है फ्रेशवर्क, एक B2B SaaS यूनिकॉर्न है जिन्होंने 150 मिलियन के यानी 1,080 करोड़ की फंडिंग उठाई है। इस फंडिंग के राउंड में पार्टिसिपेट किया है सिकोया कैपिटल, कैपिटल जी और SL ने। फ्रेशवर्क एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर फर्म है जो बिजनेस और कस्टमर एंगेजमेंट के टूल्स प्रोवाइड करती है। फ्रेशवर्क 2010 में शुरू हुआ था और इनके जो फाउंडर है वो काफी जाने माने हैं, इनका नाम है गिरीश माथुरभूतम। फ्रेशवर्क के साथ साथ अभी तक दुनिया भर से 1.5 लाख से ज्यादा बिजनेसेस जुड़े हैं और फ्रेशवर्क इस फंडिंग का इस्तेमाल करके अपना मार्केट में फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है, वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन करना चाहती है। इस वीक के 2 बिग बॉस स्टार्टअप थे, सबसे पहला जो था वो था फ्रेशवर्क और अभी जो स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले उसका नाम है पॉलिसी बाजार जो पॉलिसी बनाने का काम करता है। पॉलिसी बाजार को 150 मिलियन की फंडिंग मिली और ये फंडिंग जो दी है वो दी है टेंसेंट होल्डिंग ने। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि पॉलिसी बाजार काम क्या करता है। पॉलिसी बाजार की काफी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है क्रिकेट देखते समय, न्यूज देखते समय। तो भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस के प्लान्स प्रोवाइड करता है जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। पॉलिसी बाजार का पहले ही मार्केट में फुटप्रिंट काफी अच्छा है ऑनलाइन सेगमेंट में अगर देखा जाए तो। वो अपना सेगमेंट का ग्रोथ B2B और B2C बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए फंडिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ समाप्त होते इस वीक के फंडिंग अलर्ट्स। बिजनेस ज्ञान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल तरक के आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।